हरे कृष्णा दोस्तों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त लेके आई हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, कब है देवशयनी एकादशी पूजा व शुभ मुहूर्त? हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी के बाद शुभ व मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसके पीछे बेहद ही खास वजह छिपी हुई है, तो जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह दो एकादशी के व्रत आते हैं और कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह में आने वाली एकादशी को आषाढ़ एकादशी कहते हैं। इसके अलावा यह देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी को बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इसके बाद 4 माह के लिए कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आइए जानते हैं कब है देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त और इसका महत्व। देवशयनी एकादशी 2023 डेट और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी तिथि 29 जून को सुबह 3:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 30 जून को दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 पर होगा। देवशयनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं इस एकादशी का नाम देव और शयन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ देव शयन यानी देवों का सोना। देवशयनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए 4 माह तक कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। पंचांग भाषा में इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। चतुर्मास के नाम से ही स्पष्ट है कि यह 4 माह का होता है, लेकिन इस बार अधिक मास पड़ रहा है, जिसकी वजह से चतुर्मास 4 नहीं बल्कि 5 माह का होगा। इसका मतलब कि शादी विवाह जैसे कार्यों के लिए 5 माह का इंतजार करना होगा। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में मिल रहे सभी दुख से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत रखा जाता है और पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया जाता है। व्रत पारण की तिथि 30 जून 2023 शुक्रवार सुबह 8:50 से लेकर 10:25 तक कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी की विधि, सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आरती करें, पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक
ध्यान करें, देवशनी एकादशी का महत्व है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैंने आपके समक्ष देव शनि एकादशी के बारे में बताया कि कब देव शनि एकादशी है। तो चलिए इसी के साथ ओम नमः भगवती वासुदेवाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को देव शनि एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको देव शनि एकादशी की जानकारी पसंद आए हो तो लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।